दोस्तों नमस्कार, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू व्यूअर्स। आज मैं आपको गेट पिलर के बारे में बताना चाहता हूँ। ये वाला देखिएगा, ये जो फ़िलहाल आप लोग देख रहे हैं गेट पिलर, सो उसको एक बड़ी झंझट है दोस्तों। एंड और एक चीज़, जब भी आप गेट पिलर डालना चाहते हैं ना, सबसे बेस्ट बोले तो जब आप कॉलम रेज करते ना, कॉलम रेज करते देखो ये मेन पिलर का, उस समय जो है आप लोग सिर्फ एक ही चीज़ करना, ये अंदर का एक रॉड छोड़ देना ये वाला। बट उस टाइम आपको एक फिक्स रहना चाहिए आपका गेट पिलर कहाँ पे आ रहा है, वो चीज़ एक फिक्स करना। उसके साथ जो है एक कंटिन्यू ये वाला पिलर और पीछे और एक पिलर है देखो मेन पिलर, उसको कनेक्टेड एक बीम डाल देना आप लोग छोटा सा, या फिर जब आप ये ज़मीन के नीचे रहते हो देखो उस समय जो है ना एक छोटा सा पिलर डाल देना। पिलर मतलब एक फुटिंग के जैसा करके ना अंदर एक 12 mm के एक चार रॉड ला के पूरा कंटिन्यू लेना। उस समय जो है आप लोग ये अंदर बस मैं क्या किया था, और एक चीज़ करना था हमको, क्या है ज़रा डिसाइड करने में दिक्कत था, गेट पिलर हमारा कहाँ पर आ रहा है मिलके, इधर लेना थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था। जिस दिन हम प्लिंथ बीम डाले देखो, जिस दिन ये वाला रखा था मैं, ये डायरेक्ट कहाँ पर आया, सीधा प्लिंथ बीम के अंदर आया था ये वाला ये लोहा। बट उसके साथ जो है ना ये चार रॉड भी आप लोग छोड़ना चाहिए था, बिकॉज़ ये इतना भी मजबूती नहीं रहता कि आपके गेट को जो है पूरा फुल एक सपोर्ट दे सके। ओके, उसकी वजह से जो है ये हम पहले ही लिए थे, उसके बाद जस्ट नॉर्मल फुटिंग डाले, अब जो है ना 12x15 inch का पिलर डाल के अब पूरा फिक्सिंग हुआ है। ओके, इस तरह से एक नॉर्मल फुटिंग ऐसा डाले, उधर भी सेम वैसे ही एज इट इज़ कर रहे। तो यही मेरा बोलने का उद्देश्य है, जब आप काम शुरू करते देखो उस समय जो है आप लोग इस तरह से कर लेना। और हमारा सीढ़ी जो है इधर से सीढ़ी आ रहा है। ओके, सीढ़ी आने की वजह से कैसा लिया है, यह हमारा रोड लेवल है, रोड से लगभग 2.5 feet हाइट हमारा बेसमेंट हाइट आया और वो 2.5 feet आ रहा है। ओके, तो ये 2.5 feet बोले तो 5 टप्पा आ रहे हैं, 5 टप्पा बोले तो 1 1 एक ऐसा 5x12x6 inch का ऐसा टप आ रहा है, उसके अंदर बीच में एक रैम्प आ रहा है। तो उस तरह से हम लोग फ़िलहाल बना रहे हैं, एंड इस तरह से नॉर्मल फुटिंग डाला। अंदर का जो लोहा है देखो पूरा नीचे से छोड़े गया था, सो दैट हम इधर पूरा कुछ ज़्यादा एक्सकेवेट हो सब कुछ भी नहीं करें। और उधर भी सेम, वो भी पूरा उधर एक बीम है हमारा दोस्तों, हाँ यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, उधर एक हमारा एक बीम है, सो बीम के अंदर से हम वो लोहा लाए थे उस समय। तो वो भी खर्चा आया था, लगभग 3000 रुपये का खर्चा आया था उसके लिए, उस लोहे के लिए उस टाइम में। उससे बेस्ट जो है लोहे के साथ साथ ना आप लोग वो चार अगर रॉड छोड़े समझो, वो उससे भी बेटर, वो अंदर का एक सी चैनल छोड़ना, ये थोड़ा मजबूत कम है, सी चैनल छोड़े तो और बेस्ट है ना, हाफ सी उस टाइप में, या फिर एच रहता देखो, एच टाइप में छोड़ देना चाहिए, वो सबसे बेस्ट रहता। और ये पूरा पिलर डालने के बाद सुबह दिन जो है थोड़ा सा इसको फोड़ लेके आप लोग ये उसको निशान छोड़ देना, जो नॉर्मली क्या है ऐसे 2 feet इधर 3 लिए तो और अच्छा ही है, पकड़ बन लेता, होल्डिंग उसको होल्ड फास्ट कुछ बोला जाता है। ओके, और ये हमारा स्टेप्स आ रहा है, स्टेप्स आ रहा बोले तो उससे पहले जो पूरा फुल कंप्लीट नाले के अंदर जो भी मटेरियल रहता वो सब हम निकाले हैं। ये इस तरह से आ रहा, जस्ट नॉर्मल 12 mm का चार सरिया यूज़ करें, ऊपर के ऊपर फुटिंग, नॉर्मल फुटिंग बस होल्ड। मेन चीज़ जो है वो रॉड पे ज़्यादा वज़न पड़ता है, ये जो रॉड देख रहे हैं उसके ऊपर ज़्यादा वज़न पड़ता है। 12 mm का रॉड लिया गया, 1 2 3 4, इस तरह से दिख रहा है आपको। ओके, तो दोस्तों इस तरह से आपको दिखाई देगा पूरा फुल व्यू। और एक चीज़ दोस्तों, अब आप बनाए समझो बहुत खर्चा आता है, तो मेरा एक ओपिनियन है स्टार्टिंग से आप लोग पिलर लिए तो और बेस्ट रहता, अगर गेट आ रही बोले तो। गेट नहीं, गेट के साथ साथ आपको ऐसा कुछ कैप लेना चाह रहे हैं, इस टाइप का कैप आता देखो वो भी ले सकते थे, बट यहाँ पर देखिए ऑलमोस्ट कहीं पे भी नहीं लिया गया, उधर भी नहीं लिया, उधर आप लोग देख सकते हैं वो उधर भी नहीं, कहीं पे भी नहीं लिया गया ऑलमोस्ट इस एरिया में। ऐसे एक कैप आता ये पिलर से लेकर कंटिन्यू है ना, ऐसे एक आता, वो आपका ऑप्शनल है, चाहे तो लीजिए नहीं तो नहीं, आपके ऊपर डिपेंड रहता है।
अब ये ईस्ट फेसिंग है तो हमारा मन में क्या है, ऐसे एक कैप लेने का नेसेसरी नहीं पड़ा, वो जो जितना हो सके उतना एरिया ये सब फुल हाइट रहना चाहिए, तो उसकी वजह से नहीं लिया। आप लिए तो ले सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड, अगर आप वो लेना चाह रहे हैं बोले तो हाइट पर रहना पड़ता है, और ठीक है लगभग 8 फीट हाइट पर लेके ऐसा लेना पड़ता है वो वाला, वो आपके ऊपर डिपेंड रहता। तो इस तरह से अपन लिए एक छोटा सा पिलर लेके इस तरह से बनाया गया, एंड खर्चा लगभग देखिएगा एक पिलर को नॉर्मली क्या है 3,000 से 5,000 लेते हैं, डिपेंड रहता है वर्कर के ऊपर, डिपेंड रहता है उसका रेट। एंड अब मैं ये जो है रैम डालने के बाद मैं बताता हूँ आप लोगों को कैसा दिखता है बोल के। ओके फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, ऐसे ही हमारे स्टेप बाय स्टेप वीडियोस इस घर कंस्ट्रक्शन रिलेटेड पूरा ए टू जेड स्टार्टिंग से लेके एंड तक वीडियोस में बनाया हूँ, एक बार आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा। धन्यवाद।